भाग्य अवस्थी, आप देख रहे हैं alertnew.com। आज हमें जनपद औरैया के बेहद ही प्रसिद्ध विद्यालय गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज में, यहाँ पर यूपी बोर्ड परीक्षा में 10th और 12th के बच्चों ने बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो आज हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले भैया, आपका नाम क्या है? विशाल सिंह। कितनी परसेंट आए? 88%। सबसे ज़्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में है? मैथमेटिक्स में। कितने नंबर है? 97। अच्छा, विशाल के 97 नंबर आए हैं मैथ में। अच्छा, तो मैथ टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था क्या? अच्छा, क्या नाम है मैथ टीचर का? योगेश सर। अच्छा, योगेश शर्मा। और माता पिता ने किस प्रकार सहयोग किया आपका पढ़ाई में? माता पिता ने बहुत सहयोग किया, उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए। जैसा कि विशाल ने बताया कि उनके माता पिता ने उनका बहुत ही सहयोग किया, उन्हें 4 बजे सुबह जगा के पढ़ने के लिए बैठाया। तो विशाल, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? मैं फ्यूचर में एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा, डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी सोच है इनकी। मेरा नाम विकास है। आपका नाम विकास? अच्छा, विकास कितने परसेंट मार्क्स आए 10th में? 85%। बहुत अच्छे मार्क्स। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में मार्क्स हैं? मैथ में आए हैं 98 मार्क्स मैथ में। अच्छा, मैथ टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया। मैथ टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया। क्या नाम है मैथ टीचर का? विनीत सर नाम। विनीत सर, अच्छा। और किस किस सब्जेक्ट की कोचिंग पढ़ी है आपने? मैंने मैथ और इंग्लिश की कोचिंग पढ़ी है, इंग्लिश में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। अच्छा, मैथ और इंग्लिश। साइंस कोचिंग नहीं पढ़ी? साइंस की कोचिंग नहीं पढ़ी। साइंस में मार्क्स कितने आए? साइंस में मेरे 76 मार्क्स आए हैं। जो 76 मार्क्स आए हैं। और फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? अच्छा, कितनी परसेंट आई है? 80%। अच्छा, सब्जेक्ट में 91। अच्छा, और माता पिता ने किस प्रकार सहयोग किया पढ़ाई में? मतलब मेरी पढ़ाई के लिए सारा सामान ला के दिया, मुझे उठाया वगैरह, काम मतलब मुझे पढ़ने में सहाया। अच्छा, काम नहीं करवाया मैंने? और टीचरों ने कैसा पढ़ाया? मतलब मेरी मदद की, ये सब्जेक्ट पढ़ो, ये याद करो, मेरी हेल्प की। टीचरों ने वो जो आपने बताया हिंदी में टीचर, तो उन्होंने किस प्रकार आपकी हेल्प की पढ़ाई में? अच्छा, तो आप अब इसमें क्या करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं जिससे आपके विद्यालय का और आपके माता पिता का नाम रोशन हो? IPS। बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत बहुत। आपका क्या नाम है? मोनिस खान। कितने परसेंट मार्क्स आए हैं? 79% काम नहीं करवाया मैंने? और टीचरों ने कैसा पढ़ाया? मतलब मेरी मदद की, ये सब्जेक्ट पढ़ो, ये याद करो, मेरी हेल्प की। अच्छा, टीचरों ने वो जो आपने बताया हिंदी में टीचर, तो उन्होंने किस प्रकार आपकी हेल्प की पढ़ाई में? अच्छा, तो आप अब इसमें क्या करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं जिससे आपके विद्यालय का और आपके माता पिता का नाम रोशन हो? IPS। बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत बहुत। आपका क्या नाम है? मोनिस खान। कितने परसेंट मार्क्स आए हैं? 79। अच्छा, तो इंग्लिश टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया गया। अच्छा, और माता पिता ने किस प्रकार सहयोग किया आपकी पढ़ाई में? जी, माता पिता ने तो बहुत सहयोग किया और उनका जो कर्तव्य था उन्होंने किया, लेकिन उससे ज़्यादा मैं गुरुओं का मतलब शुक्र अदा करना चाहूँगा कि जो उन्होंने मेरा साथ दिया है और मुझे ऐसे मुकाम पर खड़ा किया है, तो मैं उनके लिए धन्यवाद बोलना चाहूँगा। अच्छा, मोनिस, मतलब आपका मानना है कि आपके टीचरों ने आपकी बहुत सहायता की है पढ़ाई में? जी। अच्छा, तो आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? जी, मैं बीटेक करके फॉरेन कंट्री में विदेश जाके कतर में। आपका क्या नाम है? नहीं, यही है, हमें रुपया चाहिए, हमें नहीं पता पिछली बार गाय रहते जो। सबसे ज्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में है? इंग्लिश का। कितने मार्क्स है? अरे इंटरव्यू होने पीछे। अरे कोई नहीं, ना टीचर ने बहुत ही अच्छा पढ़ाया है। बस थोड़ा 5 मिनट बचे। अच्छा, तो माता पिता और गुरुओं ने किस प्रकार सहयोग की पढ़ाई में? माता पिता ने जो पढ़ाई के लिए टाइम दिया उसके लिए मैं उनका धन्यवाद कहना चाहूंगा, और गुरुओं ने भी काफी सहयोग किया हमारी पढ़ाई में। अच्छा, और भविष्य में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं आप? आर्मी में जाना चाहता हूँ। आर्मी में? बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत ही अच्छी सोच है।